ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही YouTube चैनल और आपके ही WhatsApp ऑडियो चैनल पर। तो आज परमपिता परमात्मा हमें 16 अगस्त के ईश्वर वरदान में चाहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा से जो जुड़े हुए हैं, हम बहुत खुश रहें, खुश मिजाज रहें और औरों को भी ये खुशियाँ बांटें। उसके लिए बाहर की खुशी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कूदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ तेज़ से हंसने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से खुश रह सकते हैं और आपका चेहरा ही बता सकता है कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। इसके लिए बाहर की दिखावट का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं आज के वरदान में। परमात्मा कहते हैं भाग्य और भाग्य विधाता। भाग्य विधाता भगवान, तभी भगवान कहा जाता है, भाग्य का विधाता है वो। स्मृति से सदा सुख और खुश रहने और खुशियाँ बांटने वाले सहज योगी भव। कहने का अर्थ क्या है समझते हैं। संगम युग खुशियों का युग है। अब ये संगम युग कौन सा समय है? ये समय आ गया है कि हम भौतिक जगत से, हम पारा भौतिक जगत, जो कि साइंस भी आज गॉड पार्टिकल कहना शुरू कर दिया है, कि साइंस भी आज अणु से आत्मा की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। बहुत बारीकियों में जा रही है लेकिन वो फिर भी अटक जाती है। लेकिन परमात्मा ने हमें बहुत ही सहज कर दिया कि हम कैसे परम भौतिकता को पहचाने, कि ये शरीर जो दिखता है इन आँखों से वो भौतिक है, लेकिन इसके अंदर एक आत्मा बैठी, एक ऊर्जा, एक इन्फाइनाइट एनर्जी है जो कि पराभौतिक दुनिया से आई है, जो इस दुनिया से नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग खुशियों का युग है, और ये संगम युग वही समय है जब हम उस पराभौतिक ऊर्जा से, परमपिता परमात्मा जो कि भौतिकता में नहीं है, उनसे हम जुड़ सकते हैं। मौजों का युग है, परमात्मा इस युग को मौजों का युग कहते हैं। तो सदा खुशी में रहो और खुशियाँ बांटते रहो। खुशी में तभी रह पाएंगे जब हम इस भौतिक दुनिया और भौतिक दुनिया की इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। इच्छाएं हैं लेकिन उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। एक और तरीका है जिससे कि हम उस सारी इच्छाओं को, उन सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जब हम अंदर से खुश हैं तो इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूर्ति हो जाती है, उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है। ये है उल्टी सोच। कलयुग की जो सोच है कि बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, हर चीज़ के पीछे भागना पड़ता है, वो है उल्टी सोच। और उसके विपरीत उल्टी सोच ये है जो कि एक्चुअल सही सोच है, कि पराभौतिकता से अगर आप जुड़ जाओ, अपने अंदर की कॉन्शियसनेस अगर आप जुड़ जाओ, और सुपर कॉन्शियसनेस पराभौतिक परमपिता परमात्मा से, एक ऐसी ऊर्जा से अगर जुड़ जाओ आप, तो आप हर कार्य को संपूर्ण कर सकते हो बिना बहुत मेहनत करे हुए। ये क्या चीज़ है इसको हम समझेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद है कि मैं जो आत्मा हूँ इन्फाइनाइट हूँ, बेहद की आत्मा, और परमात्मा भी बेहद के हैं। अगर वो कनेक्शन सदा याद रहेगा तो दुनिया के जो दुख हैं कभी याद नहीं आएंगे, और दुख होते हुए भी उनको हम पार कर पाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं बाप मिला सब कुछ मिला। अगर हमें सुपर कॉन्शियस, जो कि ऐसी चेतना है जो कि इस फिजिकल चेतना से, ये भौतिक चेतना से बहुत ही अजूबी है या अजूबा टाइप की है, तो उसके साथ में अगर हमारा कनेक्शन बैठ जाता है तो हमारा वो कनेक्शन हमें बहुत ही अच्छे सुख, आनंद, खुशी तक लेके जा सकता है, जो कि भौतिक चीज़ों से हमें मिल नहीं सकती है, जो कि हमें लिमिटेड हद की चीज़ों से मिल नहीं सकती है। तो परमात्मा कहते हैं बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहज योगी बना देती है। कि अगर आप इसको याद हो जाए, अगर आप स्मृति याद करो, मेरे पास में धन है, मेरी ये पोजिशन है, मेरा ये पोस्ट है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, उसको सोच करके इंसान, दुनियावी चीज़ों को सोच करके इंसान को इतना नशा चढ़ता है। लेकिन अब ये पराभौतिक चीज़ जो कि जिसको ऊर्जा भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो मिल जाए, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो मिल जाए, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके सामने करें। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, कि मुझे तीर्थ करना ही पड़ेंगे, मुझे जप तप करना ही पड़ेगा, मुझे व्रत रखना ही पड़ेगा, खान पान सब छोड़ना पड़ेगा बहुत देर तक। परमात्मा कहते हैं वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमपिता परमात्मा मिलके सब कुछ मिलता है। उसके बाद में जो बेसिक चीज़ें जो चेंज करती हैं वो तो आप चेंज करते ही करते हैं, ताकि आपका वो कनेक्शन कहीं टूटना चाहे, उसके लिए हम बहुत कुछ सीखते हैं परमात्मा हमारी इसमें। फिर परमात्मा कहते हैं और आप कहते हैं घर बैठे बाप मिल गया मुझे, जो सोचा नहीं था वह मिल गया। दुख हो रहे थे जीवन में लेकिन परमात्मा ने आपको चुन लिया कि आप ही परमात्मा के साथ मिलकर के कुछ ऐसा कर्तव्य करें, ताकि औरों के दुखों को आप मिटा पाएँ, औरों को भी ऐसी पराभौतिक शक्ति के साथ में आप मिला पाएं। तो परमात्मा कहते हैं खुशियों का सागर मिल गया। सागर, इंसान खुश तब होता है जब उसको कोई चीज़ मिलती है, गिफ्ट मिलता है, कुछ खरीद पाता है, उसकी प्रमोशन होती है, उसका बिजनेस आगे अच्छा करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम्हें तो इन सारी चीज़ों के बिना भी खुशी मिल सकती है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिसको हम मेडिटेशन से प्राप्त करते हैं।
इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। अगर इस खुशी में ही रहते हैं तो इससे हमें खुशी देने वाला याद आ जाता है। खुशी देने वाले को याद करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशी देने वाला अगर हम उसकी खुशी में रहें कि हमें वो मिल चुका है, तो उसकी याद सहज आ जाती है। किसी व्यक्ति को कुछ प्रमोशन मिल जाती है अगर वो हमेशा प्रमोशन के बारे में ही याद करता रहता है, तो उसको खुशी ऑटोमेटिक आती है। यहाँ परमात्मा मिल चुका है, उसकी खुशी में रहना ही परमात्मा को याद करना है, जिससे कि हमारे कई दुखों के कारण ख़त्म होने शुरू होते हैं उस याद से। ये करें कैसे, इसलिए आप ब्रह्म कुमारी बना करके आप सीख सकते हैं सहज राज योग, मतलब कि वो पराभौतिक ऊर्जा से हम आत्माओं को जुड़ना कैसे है, जिससे कि सारे जितने भी विघ्न हैं जीवन के वो हल होते जाते हैं, एक बाई ख़त्म होते जाते हैं, और सारी उलझने, बुद्धि की डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम्स, कैंसर के 4 स्टेजेस ठीक हो चुके हैं बहुत लोगों के। और यही नहीं, जो सुनने वाले नहीं थे उनको सुनना शुरू हो गया, जो बोल नहीं पाते थे वो बोलना शुरू हो गया, जिनकी कलाएँ अच्छी नहीं थी वो कलाकार बन चुके हैं, जो गाना नहीं जानते थे वो गाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, ऐसे ऐसे चमत्कार होते जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी आकर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अनुभव कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। इसके साथ ओम शांति।